Hey guys, this is Devesh Patil back again with another new video. So guys, आज हम जा रहे हैं डी वाई पाटिल स्टेडियम जहाँ पे फुटबॉल मैच होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप लेडीज कौन सा चाइना और स्पेन का। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वहाँ पे अभी हम जाने वाले, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी अर्पित। एंड तक वीडियो देखते रहना और पासेस का जुगाड़ तो हमने कर लिया है। मेरी एक फ्रेंड है जूनियर, तो वो मुझे पासेस देने वाली, तो अभी हम पासेस पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी वो जाते, अभी एक कोई तो बंदी ऑटो से गई और मोटो व्लॉगिंग समथिंग कुछ तो बोल रही थी। भाई मोटो व्लॉगिंग तो नहीं करता, बट व्लॉगिंग जरूर अच्छी तो कर लेते, आपको पता होगा। तो बहुत गर्मी हो रही है यार, इतना उधर से आ रही थी अभी बारिश गिर रही थी, अभी इतना इधर धूप गिर रही है। तो पहले हम पासेस कलेक्ट कर लेते हैं और पासेस के बाद हम सीधा जाते हैं स्टेडियम में, मिलते हैं आपको। एंड तक वीडियो देखते रहना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे कॉलेज में। तो आप देख सकते हो मेरा क्लासरूम है जहाँ पे मेरे सारे लेक्चर्स होते। तो मैंने जो मेरे फर्स्ट ईयर के 3 to 4 months यही क्लासरूम में था मैं, और बहुत ही मेमोरीज है क्लासरूम में। अभी मेरा फ्रेंड भी है मेरे साथ। तो एक्चुअली हम 4 बजे आए थे, बट 4 बजे से आने के बाद पता चला कि यहाँ पे अंदर बैग्स अलाउड नहीं है। तो वैसे हम ढूंढ रहे थे कि बैग्स कहाँ पे रखे। तो अभी हमने हमारे लॉकर रूम में बैग्स रख दिए। तो अभी फिर थोड़ी देर में जाते हैं हम स्टेडियम में, मैच चालू होने वाला है। तो जैसे मैच स्टार्ट होगा तो हम मैच देखने जाएंगे। और कुछ बोलना है? पुरानी यादें। यहाँ पे हमारे लेक्चर्स होते तो मैं बहुत ही मिस कर, लॉकडाउन की वजह से 2-3 साल तो पूरा मतलब घर पे ही था। अभी 2 साल के बाद मैं फिर से आया हूँ मेरे कॉलेज, और अभी 5 बजे। तो अभी देखते हैं अभी मैच भी। सो गाइज, ये था हमारा क्लासरूम, बहुत सारी मेमोरीज है गाइज यहाँ पे। और एक कॉलेज का स्टूडेंट था ये, और एक कॉलेज का स्टूडेंट जो अभी स्टूडेंट नहीं रहा। गजब बेइज्जती है। सो गाइज, अभी ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ पे सारे क्लासरूम देख सकते हो। ये कॉरिडोर है हमारे कॉलेज का, तो यहाँ से हम जाते थे आते थे प्रैक्टिकल। हाँ, ये थे हमारा फ्रंट ऑफिस का प्रैक्टिकल रूम जहाँ पे मैम बैठी है। सो गाइज, अभी पीछे देख सकते हो, पीछे मेरा पूरा कॉलेज यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो। ये हमारा होटल मैनेजमेंट का कॉलेज, और अभी सामने एक बिल्डिंग हुई है, कौन सा कॉलेज हुआ था सामने? BBA। तो यहाँ पे सामने ही BBA कॉलेज हुआ था, और अभी सीधा हम जा रहे हैं स्टेडियम की ओर। अभी कॉलेज में हमने हमारा जो बैग था, बैग भी रख दिए है। कॉलेज कम होटल ज़्यादा लगता है, कॉलेज से ज़्यादा होटल लगता है, क्योंकि ये तो हमको पता है कि ये हमारा एक्चुअली होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, तो होटल के जैसा ही रहेगा, आपको पता ही है। मतलब आपको मत सिखा, चल। थैंक यू फरन भाई। सो फाइनली गाइस, अभी हमें पासेस मिल गए, हमारे साथ मेरी फ्रेंड भी। ये डाको का मजा करेंगे। तो अभी हमारे पास पासेस आ चुके हैं, तो अभी हम सीधा गेट नंबर 8 से जाना है ना हमें, तो अभी हम सीधा गेट नंबर 8 से जाते हैं। तो बहुत ये पासेस के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत देर से घूम रहे, अभी बैग्स भी रख दिया हमने अंदर। तो अभी सीधा जाते हैं स्टेडियम में, और स्टेडियम में जाके आपको मिले लेवल वन का पास मिला है। बस उतना ही काफ़ी है, डायरेक्ट नीचे मजा आया। तो अभी सीधा हम जाते हैं स्टेडियम में। अभी उन्होंने अलग अलग जाना पड़ेगा। सो गाइज, अभी यहाँ पे हमें पता था 6 थे, फिर भी हम 5 नंबर गेट पे आ गए थे। क्या बोलता अर्पित? क्या बोलूँ तो बोलूँ, क्या करूँ तो, मतलब इतना पागल जैसा हम कब से घूम रहे हैं ना, देखो आप पसीना देख सकते हो। मैं आया था 4 बजे, मतलब आज कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। पहले आया बारिश गिरने लगी, उसके बाद आया बैग्स किधर रखूँ वो नहीं समझ आता, बोले कि बैग्स रखना किधर है। और अभी आया गलती से, मुझे बोला कि 5th नंबर गेट पे जाओ, अभी बोल रहे 6th नंबर गेट पे जाओ। तो अभी हम सीधा 6th नंबर गेट पे जाते हैं, अभी वहाँ से भी अंदर जाते हैं। फिर मैच 4:30 का हमारा मैच था, अभी 5:30 हो गया गाइस, 1 घंटा लेट हो गया ऑलरेडी, पर अभी तक भी मैच इतना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जाते हैं सीधा, आप एंजॉय करो ब्लॉग। अभी
सो गाइस स्टिल वी नॉट एबल टू फाइंड द गेट नंबर 6। अरे मतलब जहाँ से हमने पासेस लिए थे वहाँ पे ही गेट नंबर 6 था, और वो भाई ने बोला कि तुम जाओ फिर ऐसा घूम के आओ रोड पे जाओ और वहाँ से आते आगे जाओ थोड़ा सा आगे जाओ बोला थोड़ा सा आगे। थैंक्स। तो फैन फॉलोइंग गाइस, बहुत सारी फैन फॉलोइंग है हमारी डीवाई पाटिल में। You serious? तो अभी हम सीधा जाते हैं फिर से गेट नंबर 6 पे। कभी से वही बोल रहा हूँ 6 पे जा रहा हूँ 5 पे जा रहा हूँ। वैसे ही पासेस लिए यहाँ से, अभी अभी बोला लिटरली यहाँ पे वहाँ पे खड़े थे कि मैंने पासेस लिया और बोला कि बाहर जा, उधर से एंट्री, अभी उधर से फिर से आ रहा हूँ और अभी फिर से अंदर जा रहा हूँ। मतलब क्या चालू यार, मतलब मुझे वो जितना अभी तक उन्होंने फुटबॉल में वो लोग भागे नहीं रहेंगे ना स्टेडियम के अंदर, उतना भी हम यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं कब से। तो स्टिल आखिर एंट्री मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। 3 साल कॉलेज में आए नहीं, 1 ही साल में अभी एक ही दिन में पूरा 3 साल कॉलेज नहीं आए लॉकडाउन की वजह से, अभी एक ही दिन में पूरा कॉलेज घूम गया, क्या बताऊँ मैं। सो गाइज अभी वन मोर थिंग, मतलब आज मैंने बोला था ना मेरा नसीब इतना खराब है ना गाइज, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ एंट्री करने और अभी वो बोल रहे पावर बैंक भी अलाउड नहीं, और वो भाई तो बोल रहे स्टैंड भी अलाउड नहीं, बोलो कौन सा स्टैंड, मैंने बोला ट्राईपॉड, पावर बैंक अलाउड नहीं है, और बोला कि उन्होंने टिकट के पीछे लिखा है, और अभी टिकट तो मैंने अभी जस्ट टिकट लिया, और टिकट के पीछे कौन भाई गाइडलाइंस पड़ता है, अभी बोल रहे कि चार्ज कर ले फिर अंदर जाके रख दे। मैंने मेरा बैग रखने के लिए इतना मैं घूमा फिर भी बैग नहीं रख पाया कैसे वैसे, तो बैग का मैंने बंदोबस्त किया, तो भी पावर बैंक का क्या करने का समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अभी फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा और पावर बैंक रख के आना पड़ेगा, चलो देखते हैं। अभी हम सीधा जा रहे हैं अंदर, ये क्या गेट बना के रखा है यहाँ पे। सो फाइनली गाइस वी गॉट एंट्री इन स्पेन और चाइना का जो मैच है ये, अभी हमारा अभी जाना किधर है, एंट्रेंस 1, अभी हमें एंट्रेंस 1 पे जाना है, लेवल 1 पे हमारा हॉल, ये इधर से नहीं भाई एंट्रेंस 1 लेवल 1। सेम है ना हमारा दोनों का तो सेम। गाइस फाइनली वी केम हियर, फाइनली मिशन सक्सेसफुल अर्पित। थक गया भाई, थक गया भाई, थक गया कब से आके। तो फाइनल अभी हम आ चुके हैं स्टेडियम में, यहाँ पे मैच चल रहे तो मैच भी देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं हमारा सीट कौन सा है। अभी F70 सीट है तो 770 सीट पे डायरेक्टली जाते हैं और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। सो फाइनली गाइस अभी मैच चालू हो चुकी है चाइना वर्सेस स्पेन, आप देख सकते हो। सो फाइनली अभी हम आ चुके हैं अंदर, तो अभी कैसा लग रहा है, अभी चिल चिल एकदम चिल लग रहा है। अभी बारिश, बस बारिश नहीं गिरनी चाहिए, हमारा सीट नंबर तो अलग था बट वो मैम बोली कि आप यहाँ पे बैठ सकते हो क्योंकि उनके वहाँ पे प्लेयर्स बैठ रहे हैं। तो एक्चुअली मैं फुटबॉल तो ज़्यादा देखता नहीं हूँ बट हमारे कॉलेज में हो रहा है, हमारे स्टेडियम में हो रहा है, आप सामने देख सकते हो DY पाटिल स्टेडियम, तो हमारे स्टेडियम में हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना हम जाते, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आके, और कब भी से हम घूम रहे थे, अभी हमारे पासेस भी मिल गए, अंदर भी आ चुके हैं, तो बस मैच एंजॉय कर।